मंदसौर गोलीकांड के पहले बरसे पर राहुल गांधी खोखरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मोदी जी ने किसानों के साथ धोखा किया। मोदी ने किसानों को फसलों की सही कीमत देने का वादा किया था, लेकिन मोदी सब में फेल हो गए। अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई तो हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। इस दौरान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। कर्नाटक के जनता दल सेकुलर और कांग्रेस गठबंधन सरकार में 25 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें गठबंधन के 25 विधायक शामिल किए गए। कांग्रेस के 14 और जेडीएस के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा बीएसपी और निर्दलीय विधायक को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। राज्यपाल वजूभाई वाला ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी, उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित फूड पार्क को लेकर बाबा रामदेव से मुलाकात की। उन्होंने इस प्रोजेक्ट से जुड़ी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। इसके बाद फिलहाल ये माना जा रहा है कि पतंजलि फूड पार्क यूपी से बाहर नहीं जाएगा। कंपनी के प्रवक्ता एसके तिजरावाला ने कहा है कि योगी जी ने भरोसा दिलाया है और हम इसका सम्मान करते हैं। बीजेपी के संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत अमित शाह मुंबई में लता मंगेशकर से नहीं मिल पाए। लता ने ऐन मौके पर बीजेपी नेताओं को फोन करके सेहत ठीक न होने का हवाला दिया और मिलने से मना कर दिया। इससे पहले शाह माधुरी दीक्षित उनके पति श्रीराम नेने से और रतन टाटा से मिले थे। इसके बाद अमित शाह ने एनडीए के सहयोगी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से रिश्तों में बढ़ती दरार के बीच मुलाकात की है। बराक ओबामा ने 2015 में अमेरिकी अफ्रीकी कार्ड खेलकर नरेंद्र मोदी को पेरिस जलवायु समझौते के लिए राजी किया था। हाल ही में ओबामा के राष्ट्रपति कार्यकाल पर लिखी गई एक किताब में ये दावा किया गया है। ये किताब ओबामा के 8 साल विदेश नीति सहायक और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे बेन रोड्स ने लिखी है। RBI ने 4.5 साल बाद रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया है। रेपो रेट 6% से बढ़कर 6.25% हो गया। वहीं रिवर्स रेपो रेट अब 5.75% से बढ़कर 6% हो गया। इससे होम और कार लोन समेत सभी तरह के लोन महंगे हो सकते हैं। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। इससे पहले मौद्रिक नीति की लगातार 4 समीक्षा बैठकों में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। फोर्ब्स ने दुनिया के ऐसे 100 एथलीट्स की सूची जारी की है जिनकी कमाई सबसे ज्यादा है। इस सूची में लगातार दूसरे साल क्रिकेट से और भारत से सिर्फ विराट कोहली को ही जगह मिली है। विराट 83वें नंबर पर हैं, जिनकी कमाई 160 करोड़ रुपए बताई गई। दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट्स में पहले नंबर पर अमेरिकी मुक्केबाज फ्लॉयड मेवेदर हैं। महिला एशिया कप क्रिकेट T20 टूर्नामेंट में बांग्लादेश ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेशी टीम की क्रिकेट इतिहास में भारत के खिलाफ ये पहली जीत है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 141 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सर्वाधिक 42 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरे बांग्लादेश ने 19.4 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आप सुन रहे थे दिन भर की अहम खबरें गंगा प्रसाद के साथ।